व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो ऐप शेयर करने वाली हूँ वो है अल्टीमेट फोटो ब्लेंडर। ये ऐप क्या है, ये किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, इसके तमाम टूल्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो बिना वक्त जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर ऐप जैसे ही आपने ओपन करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च फॉर ऐप एंड गेम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने सर्च करना है अल्टीमेट फोटो ब्लेंडर। ये देखिए अल्टीमेट फोटो ब्लेंडर मिक्सर है, इसको आपने ओके करना है। इसके रिव्यूज देख लें, 275 के इसके रिव्यूज हैं। अब चलते हैं इसके डाउनलोड्स की तरफ। तो 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। इसको हमने इंस्टॉल करना है। चलिए अभी इंस्टॉल हो रही है। अबाउट दिस ऐप, अ फोटो ब्लेंडर ऐप टू मिक्स ओवरले एंड ब्लेंड मल्टीप्लाई पिक्चर। तो हम गए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल होने तक। तो ये देखिए गाइस, हमारी ये ऐप जो है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो गई है। अब हम बैक पे चलते हैं। बैक पे जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टीमेट फोटो मिक्सर है। इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप अल्टीमेट फोटो मिक्सर। यहाँ पे आपको इसको यहाँ कुछ परमिशन देनी होंगी, ग्रैंट दिस परमिशन टू यूज़ अल्टीमेट फोटो मिक्सर। तो हमें यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो आगे आपको ऑप्शन आएगा अलो अल्टीमेट फोटो मिक्सर टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो इसको हमने अलो कर देना है। नेक्स्ट फिर से आपको ऑप्शन आएगा अलो अल्टीमेट फोटो मिक्सर टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो फिर से हम इसको अलो कर देंगे। जैसे ही हम अलो करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का ऑप्शन है, फोटो है, एडजस्ट और रेज। ये देखिए यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैमरे का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और एक गैलरी का। अगर आपने अपनी फ्रेश फोटो क्लिक करके उसको यहाँ पे अगर आप ब्लेंड एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। या फिर आप पहले से अपने मोबाइल में मौजूद फ़ोटो को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप वो करने के लिए गैलरी वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा जहाँ, तो हम यहाँ पर अपनी गैलरी ओपन करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने अपनी गैलरी ओपन किया यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। लाइक ऐसा ये देखिए ये वाली पिक्चर हमने सेलेक्ट की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको ऐसे क्या हमने सेलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको टिक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आगे देखें नेक्स्ट आप देख सकते हैं आगे फिर से इसका ही ऑप्शन है एक और। अगर हम इसके अंदर अपनी फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन है। ये देखें, ये देखें, ये देखें आप 2-in-1 फोटो काट सकते हैं इजीली। ये देखें आप अपने कोई भी फोटो लेके उसको एक फोटो के अंदर दूसरी फोटो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू इरेज सिलेक्टेड फोटो। ये देखिए अगर आपने इरेज करना है तो यहाँ से आप ये देखिए ये वाली आपकी जो पिक्चर है जो आपने बाद में इसमें ऐड की थी वो इससे इरेज हो जाएगी। देखिए अब ये देखिए यहाँ भी आपको एरो के निशान नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आपने ये देखे यहाँ से जो लेफ्ट वाला वहाँ पे आप करेंगे तो ये देखें आपकी वही वाली जो पिक्चर है वो वापस आ जाएगी। देखें वही वाली पिक्चर आपकी वापस आ जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपने इसको डन कैसे करना है। ये देखें यहाँ पे आपको टिक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने से ये देखें आगे इसको आपने एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। क्रॉप करना है तो यहाँ क्रॉप का ऑप्शन है। ओरिनेशन करना है तो ओरिनेशन का ऑप्शन है। इफेक्ट्स हैं, ओवर आइज है, बॉर्डर है, फ्रेम है, स्टिकर्स हैं और टेक्स्ट है। आप अपनी फ़ोटो को जैसे मर्जी एडिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये देखिए जी हम यहाँ पर फ्रेम ले लेते हैं कोई सा भी एक फ्रेम। तो ये देखिए
यहाँ पे हमने फ्रेम लगा लिया है, ये देखें यहाँ पे हमने इसका फ्रेम, ऊपर देखिए आपको टिक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको हमने क्लिक करना है तो ये हमारा फ्रेम सेट हो गया। आगे नेक्स्ट देखें स्टिकर्स हैं, कोई भी अगर आपने स्टिकर ऐड करना है तो हम वो कर सकते हैं। ये देखिए नहीं करना तो यहाँ पे इसके साथ स्टिकर के अंदर ही डेल का आपको बास्केट नज़र आ रही होगी, उस पर आपने क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, फिलहाल हम नहीं लिख रहे। तो अब हमने इसको सेव कैसे करना है, ये देखिए ऊपर आपको ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने क्लिक करना है तो ये हमारी गैलरी में सेव हो गई। ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है, आपने इसको मस्ट यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।